हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो आज हमारा संडे है और हम लोग संडे स्पेशल के अंदर अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं पिछले कुछ संडे से, है ना। तो आज की क्लास में भी हम लोग अपने नेक्स्ट स्किल को डिस्कस करने वाले हैं। अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे और कुछ तीन स्किल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली अपने पिछले तीन क्लासेस के अंदर। और आज की क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट स्किल को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो सबसे पहले तो हमारे बीएड स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आपके लिए ये क्लास सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसका आपको सच में बेनिफिट होगा बिकॉज यू नो बीएड स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेसन प्लानिंग के अंदर आती है, फाइल्स के अंदर किस तरह से लेसन प्लान किया जाए और अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करना है, उसी के साथ साथ अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, हम लोग मैक्रो टीचिंग की तो डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी माइक्रो टीचिंग ही डिस्कस कर रहे हैं और माइक्रो टीचिंग के बाद हम लोग मैक्रो टीचिंग की तरफ भी चलेंगे, बट फिलहाल हम लोग साइंस सब्जेक्ट की माइक्रो टीचिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग को डिस्कस करेंगे। किस तरह से ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है इसे, और किस तरह से इसको ब्लैक बोर्ड को यूज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड एक बहुत ही अच्छा विजुअल एड है, किस तरह से इस एड को अच्छी तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड का हमारी टीचिंग के अंदर क्या महत्व होता है, हमारे टीचिंग में कैसे टीचिंग इफेक्टिव कर सकते हैं, इसका रोल क्या क्या है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बारे में इस क्लास के अंदर जान लेंगे अच्छे से। ओके, बाकी आई एम श्योर कि इस क्लास के बाद अगर ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के अंदर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं रहेगी, बिकॉज इस क्लास में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल एड होता है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है टीचिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है विजुअल एड होता है। जो हमारे टीचर्स होते हैं इसको, इस एड को बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। इससे हम लोग अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने जो भी हम लोग लेसन समझाने वाले, अपना कंटेंट जो भी हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट के सामने, हम लोग अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स को जो भी कंटेंट समझाना चाहते हैं उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सो हमारे ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी स्किल मानी जाती है टीचिंग के अंदर, और ट्रेडिशनल स्किल भी है, बहुत पुराने टाइम से हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे टीचर्स होते हैं इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड को, ठीक है, अपनी डेली टीचिंग के अंदर। डेली टीच जो भी कंटेंट को, वो जिस भी लेसन को वो टीच करवाएंगे उसके अंदर ब्लैक बोर्ड का पक्का यूज करते हैं। देखो, अपने फॉर्मूलेज लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस, कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, ड्राइंग्स हो गई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस हो गई, हर चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बारे में ही अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले तो देखो, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की मैं आपको इंपॉर्टेंस बताती हूं। देखो, हम लोग जब अपने लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं तो माइक्रो टीचिंग के अंदर ही रहेंगे, हम लोग मैक्रो टीचिंग के अंदर फिलहाल नहीं जाएंगे। देखो, माइक्रो टीचिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 मिनट्स की कुछ क्लास होती है, 5 to 7 मिनट्स की क्लास होती है। इसके अंदर हम लोग जब अपने किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने, तो हम लोग उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है रखने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अब बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए 7 मिनट्स की क्लास है, हम लोगों को कोई क्लास सामने, हमारे सामने कोई लेक्चर दे रहा है 7 मिनट्स का, अब उसके अंदर जो कुछ उन्होंने कहा, जरूरी नहीं है कि वो सभी बातें हमारे दिमाग में फिट हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि 7 मिनट की क्लास के अंदर जो भी कुछ कहा गया हो वो सब कुछ याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली देख रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक टीचर ने सिर्फ और सिर्फ बोलकर अपने लेक्चर को 7 मिनट में डिलीवर कर दिया, ठीक है। एक दूसरा टीचर है जो कि उन 7 मिनट्स के अंदर अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब जब एक टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है तो उनके स्टूडेंट्स भी उस चीज को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना जरूर अच्छा समझेंगे, नोट करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप इन बातों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। अब देखो, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, 7 मिनट्स की हमारी क्लास थी, हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हमने क्या किया,
जो भी पूरी क्लास में पढ़ाया है, जो कुछ भी हम लोगों ने टीच करवाया है, अब वो हम लोग लास्ट में अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जिन टीचर ने सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर डिलीवरी की थी बिना ब्लैक बोर्ड का यूज किए, उनके स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो टीचर के स्टूडेंट जो कि अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड को यूज कर रहे थे, उनके जवाब हमेशा ज्यादा आएंगे। ऐसा क्यों? देखो, जब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, डेफिनेशंस, फॉर्मूले, हमारे स्टूडेंट्स ने भी उसे नोटबुक पर नोट किया होगा। अब बाद में जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टूडेंट अपनी नोटबुक में से रिवाइज करने की कोशिश करेगा, जब वो उन की पॉइंट्स को देखेगा तो उनके दिमाग में वही बातें वापिस से जो है घूमेंगी कि हाँ, हमको ये कहा गया था, इस पॉइंट के बारे में ये कहा गया था, ये इसका फॉर्मूला था। चलो, फॉर्मूला अगर उन्होंने नहीं भी सुना है तो वो फॉर्मूले को वापिस से रिवाइज करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, दो बातें, दो हमारे पास दो इसके बेनिफिट आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेंबर रहा, और हमारी टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे क्लास के अंदर, और उससे ही हमारी टीचिंग ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा क्लास के अंदर, उसने हर पॉइंट को नोट किया और उसे हर पॉइंट याद है। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट को पूरा जो कंटेंट था वो अच्छी तरह से जो है पॉइंट वाइज याद रहेगा, उसे रिवाइज करेगा। ठीक है, तो ये हमें दो बेनिफिट मिल गए इस चीज से। ठीक है, अब देखो, एक गुड जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसके अंदर क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो पूरे कॉन्सेप्ट की, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, हम जिस भी कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने, अपने पॉइंट्स के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, वो सब कुछ वो अच्छी तरह से समझ सके, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड थिंग कि हम लोग जो भी अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को जो हम लोग वर्बली प्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी हमारे थॉट्स वर्बली प्रेजेंट हो रहे हैं, उनकी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, थर्ड क्या होगा, हम लोग अपने पूरे कंटेंट, पूरे लेसन को होलिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, होलिस्टिक पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पूरे लेसन की। ठीक है, एंड थर्ड होगा, हम लोग अपने लेसन के अंदर बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं, अपने कंटेंट की तरफ अपने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को सीख कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हमारी गुड ब्लैक बोर्ड टीचिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम लोग देख लेंगे ब्लैक बोर्ड टीचिंग जो है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस जान लेंगे, कुछ एड जान लेंगे, कौन कौन से एड्स हम लोग जो है इसके अंदर यूज करते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग आपके सामने एक बहुत ही अच्छा, मेरी खुद की बीएड फाइल में से प्रेजेंट करने वाले हैं एक लेसन प्लान। सो दिस इज माय ऑन बीएड फाइल, जिसके अंदर में से मैं प्रेजेंट करूंगी एक ब्लैक बोर्ड स्किल के ऊपर लिखा हुआ लेसन प्लान। ठीक है, जो कि साइंस का होगा। सो लेट स्टार्ट। सो आवर स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैक बोर्ड स्किल है, ब्लैक बोर्ड स्किल में भी डिफाइंड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल, इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। ठीक है, ब्लैक बोर्ड स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है क्लासरूम टीचिंग के अंदर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग एड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्लैक बोर्ड जो है हमारी ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन टीचिंग एड है, बहुत ही पुराने टाइम से इस जो टीचिंग एड है इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ब्लैक बोर्ड के बारे में पता चल गया। नाउ ब्लैक बोर्ड क्या है, ट्रेडिशनल विजुअल एड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ब्लैक बोर्ड को बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल विजुअल एड माना जाता है, जो कि हमारी क्लासरूम टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट फैसिलिटेट लर्निंग एंड इंप्रूव रीडिंग एंड अदर स्किल्स, इट रिलीव बोर्डम फ्रॉम क्लास। देखो, जो हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल होती है, ब्लैक बोर्ड से बहुत चीजें इंप्रूव होती है, हमारे स्टूडेंट्स की रीडिंग इंप्रूव हो रही है, उनके अंदर और भी अदर स्किल्स आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारी क्लासरूम के अंदर बोर्डम जो होगा, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स बोर हो रहेंगे होंगे, उसको जो है उससे रिलीफ मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब कौन कौन सी टीचिंग एड्स जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अंदर यूज की जाती है, तो चौक, डस्टर, pointer, stencil of maps, these are the important aids which are used in the blackboard writing. Okay, अब importance क्या है हमारी blackboard writing की? So सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा affordable teaching aid है ना, मतलब कि आप छोटे से छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा से बड़ा स्कूल हो, छोटे से छोटा टीचर, यू नो, चार दो स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा रहा है, या फिर चार स्टूडेंट्स को, या फिर बहुत बड़ी क्लास है, तो easily afford कर सकते हैं, ये ऐसी teaching aid है। It makes teaching effective, हमारी teaching को बहुत ज्यादा effective बना सकती है ये aid, जो हम लोगों ने थोड़ी पहले डिस्कस किया है। कॉप विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज,
जो स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज के हैं सभी के साथ इस एड के साथ जो हम लोग डील कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, मल्टीपर्पज टीचिंग एड। ये एक ऐसी टीचिंग एड है जो कि मल्टीपर्पज मानी जाती है। ओके, सो हम लोगों को ब्लैक बोर्ड स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड टीचिंग के राइटिंग के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। देखो अब इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारी जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है। ओके, सो इसके बाद हम लोग एक लेसन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, साइंस का ये लेसन प्लान होगा। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। सबसे पहले तो हम लोग अपनी कुछ कॉलम्स को फिल करेंगे, कुछ पॉइंट्स को फिल करेंगे, दैट इज डेट, ठीक है, क्लास, कौन से क्लास का टॉपिक लिया जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, लाइक हम लोग साइंस के सब्जेक्ट के टॉपिक को ले रहे हैं, एट्थ क्लास के टॉपिक को ले रहे हैं, वो हमने मेंशन किया, कौन सा पीरियड नंबर है, देन टॉपिक का नाम क्या है। देखो टॉपिक का नाम हमें सबसे पहले रिवील नहीं करना है। टॉपिक का नाम अभी तो मैंने पूरे लेसन प्लान को लिख चुकी हूं, इसलिए हम लोगों ने टॉपिक का नाम यहां पर मेंशन कर दिया है, पर आप टॉपिक का नाम तब तक रिवील नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे देनी है, ठीक है। सो स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो हमारे पास फोर पॉइंट्स आते हैं, दैट इज सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल्स एक्टिविटी एंड बीबी वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या आ जाता है, जो भी हम लोग टीच करवाने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हमारे प्यूपिल टीचर की जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो यहां पर मेंशन होगी, एंड प्यूपिल एक्टिविटी के अंदर हमारे प्यूपिल्स के एक्टिविटी मेंशन होगी, एंड बीबी वर्क के अंदर जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं वो सभी हमारा बीबी वर्क के अंदर जो है आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सब्जेक्ट मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया। अ सॉफ्ट मेटल कोर मेड इनटू मैग्नेट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल सराउंडिंग इट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है। हमारे प्यूपिल टीचर ने क्या किया, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया बाय राइटिंग इट्स डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। उन्होंने ब्लैक बोर्ड का यूज किया है, यहां पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर हर चीज को मेंशन किया है, ठीक है, पूरी डेफिनेशन उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन की। और हमारे प्यूपल्स ने क्या किया, उन्होंने इसी डेफिनेशन को अपनी नोटबुक्स के अंदर मेंशन किया, नोटबुक्स के अंदर नोट किया। इससे क्या हुआ, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, प्यूपल्स थे, वो इस चीज को, इस डेफिनेशन को कभी भी लर्न कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर वो इसे सिर्फ सुनते, लिखते ना, तो ये हो सकता था कि वो इस चीज को भूल जाते और बाद में इस चीज को याद करने में उन्हें प्रॉब्लम आती। अब क्या है, जब भी वो उन्हें अपनी नोटबुक ओपन करेंगे वो इस चीज को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। देन हमारे प्यूपल टीचर ने क्या किया था, इस पूरी डेफिनेशन को ब्लैकबोर्ड के ऊपर मेंशन किया था। ओके, देन पीटी विल ड्रॉ डायग्राम ऑन बीबी। अब उन्होंने क्या किया, पीटी ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को उनके सामने डेफिनेशन के थ्रू प्रेजेंट किया, अब उन्होंने इसे ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ भी कर दिया। लाइक यहां पर हमें दिख रहा है किस तरह से पीपल टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम को प्रेजेंट किया। पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट पीपल। अब देखो यहां पर हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनका इंटरेस्ट जागा है, उन्होंने एक डायग्राम को देखा और वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गए क्लासरूम के अंदर, और भी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह से देखा। देन आ जाएगा हमारे प्यूपिल टीचर, हमारी सब्जेक्ट मैटर में बैटरी आ जाती है। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, सच कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो बैटरी क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल का कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के साथ, उसे उसके कॉम्बिनेशन को बैटरी कह दिया जाता है। प्यूपिल टीचर विल आस्क व्हाट इज द बैटरी। प्यूपिल टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया दैट व्हाट इज द बैटरी, देन हमारे स्टूडेंट्स ने किया, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, सच कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। मतलब पीपल्स को इस बात के बारे में पता था, उन्होंने इस डेफिनेशन को उनके सामने प्रेजेंट किया। अब पीपल टीचर यहीं पर रुक नहीं गए, पीपल टीचर्स ने, हो सकता है कि यह बात एक स्टूडेंट को पता हो और क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को नहीं पता हो, तो हमारे पीपल टीचर ने क्या किया, इस डेफिनेशन को सुना, उन्होंने इसे वापिस से प्रोनंसिएशन की क्लास के अंदर, और उसके बाद हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन किया दैट बैटरी क्या होती है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी। ओके,
देन हम लोग हमारे सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ गया टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स किसे कहा जाता है? सो देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन इट बाय ड्रॉइंग बैटरी ऑन बीबी। मतलब कि हमारे प्यूपल टीचर ने अब क्या किया है, उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए, बैटरी के टर्मिनल्स को समझाने के लिए, उन्होंने एक बैटरी के पूरे डायग्राम को ब्लैक बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट किया, ड्रॉ किया, और हमारे प्यूपल्स ने अच्छी तरह से, उन्होंने जो भी इस चीज के बारे में समझाया, पीपल्स ने उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, समझने की कोशिश की, डायग्राम को देखा। ठीक है, इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। व्हेन कॉपर वायर इज वॉन्ड अराउंड नेल एंड वन एंड ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर टू द नेगेटिव टर्मिनल, करंट पास थ्रू इट। ठीक है, पीपल टीचर विल से व्हेन कॉपर वायर वाउंड अराउंड नेल एंड वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू टर्मिनल पॉजिटिव अनदर टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो मतलब कि पीपल टीचर इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है, एंड नेल गेट मैग्नेटाइज बट वेन डिसकनेक्टेड टू द बैटरी द मैग्नेट इफेक्ट ऑफ द नेल गेट वैनिश। यहां पर प्यूपल टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, किस तरह से जो हमारे नेल था आयरन का वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, तो जब इन्होंने पूरी बात को समझाया तो पीपल्स ने इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। देखो यहां पर हमारे पीपल्स का पूरा इंटरेस्ट जो है इस चीज में आ चुका था, है ना। इस चीज के अंदर उन्होंने डायग्राम्स को देखा, डेफिनेशंस को नोट किया, अब इनका इंटरेस्ट आ चुका था समझने के लिए, तो हमारे प्यूपल टीचर ने इसको अच्छी तरह से उन्हें समझा दिया। देन हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न्ड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। उन्हें हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग उनसे थोड़े से छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि हम उनकी जो भी उन्होंने पूरे क्लास के अंदर समझा है उसको चेक कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को। ओके, अब हमारे कंपोनेंट्स जाते हैं। देखो हमारी कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट, चॉक बोर्ड राइटिंग वॉज डन साइड बाय साइड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लेसन। जब हम लोग लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो बोर्ड के ऊपर राइटिंग करना साइड बाय साइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात हम लोग जान चुके हैं। अब इस पॉइंट के बेस पर हमारी रेटिंग स्केल के ऊपर हमें रेटिंग मिलेगी। ठीक है, हम लोगों ने किस तरह से जो है चॉक बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट किया है, लिखा है, तो उस बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल के ऊपर रेटिंग दी जाएगी। सेकेंड इज, चॉक बोर्ड राइटिंग वॉज इन स्ट्रेट लाइन। जो भी हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, लाइन हमेशा स्ट्रेट जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग जो लिख रहे हैं कोई ऊपर को जा रहे हैं कुछ नीचे को जा रहे हैं सेंटेंसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट के बेसिस पे हमारे जो सुपरवाइजर होंगे, जो हमारी टीचिंग को जज कर रहे हैं उस टाइम, वो हमारे रेटिंग स्केल के ऊपर कुछ रेटिंग देंगे। ठीक है, हम लोग कैसा लिख रहे हैं उस बेसिस पे हमें रेटिंग दी जाएगी। थर्ड पॉइंट इज, द साइज ऑफ वर्ड्स वर एप्रोप्रिएट। जो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं उन वर्ड्स का साइज एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगर वो साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा तो हो सकता है क्लासरूम के अंदर जो लास्ट बेंच पर हमारे स्टूडेंट्स बैठे उन्हें ना दिख सके और वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा साइज होना चाहिए कि हमारी क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हर स्टूडेंट को वो विजुअल हो, हमारी राइटिंग अच्छी हो। ठीक है, इस बेस पे हमें जो है रेटिंग स्केल के ऊपर रेटिंग मिल जाएगी। देन आ जाता है एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस। जो हम लोग लाइंस लिख रहे हैं उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि दो लाइन मर्ज ना हो जाए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना आ जाए इस चीज को नोट करने में, तो इस बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल पे रेटिंग मिल जाएगी। देन आ जाएगा, द स्टैंडिंग पोजिशन ऑफ द टीचर एट द लाइन ऑफ राइटिंग वॉज राइट। देखो हम लोग जब लिख रहे हैं तो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे कि हम जो लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को वो दिख सके। इस बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिल जाएगी। देन अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जो हम लोग लिख रहे हैं डेफिनेशन के अंदर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, डेफिनेशन के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बेसिस पे भी हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिलेगी। अगर हम लोग इन कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारी रेटिंग स्केल पर रेटिंग लो जा सकती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाएगा इलुस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स। किस तरह से हम लोगों ने पूरे लेसन के दौरान डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, किस किन किन चीजों को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, इस बेसिस पे हमारी जो है रेटिंग स्केल पे हमें रेटिंग मिल जाएगी। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अवर स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। जो कि हमें ध्यान देना पड़ेगा इन कंपोनेंट्स का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे हमारे पूरे लेसन को जो है रेटिंग मिलेगी।
सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, जो कि हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं. अगर फुल व्यू में आपको देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ आपको. और अगर आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए हो, आप पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं. आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा लेसन प्लान का, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि हमारे साइंस के टॉपिक पर है. ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मैथमेटिक्स पर भी लेकर आएंगे और अपनी माइक्रो टीचिंग के बाद माइक्रो टीचिंग का भी कंप्लीट करेंगे. सो अगर आपको ये क्लास कहीं भी बेनिफिट आपको इस चीज का मिला हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको लगी हो, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं पूरी क्लास को, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको अगर बेनिफिट हुआ है तो आप उनको भी हो जाए थोड़ा सा. ठीक है, बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.